हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पर। मेरा जो चैनल है, इस चैनल पर मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है, हमेशा मैं उनको फ्रॉड से बचा सकूं, चाहे वो फ्रॉड उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्रॉड उनके कोई थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही हो, चाहे वो फ्रॉड उनके पड़ोस में रहने वाला बंदा ही उनके साथ क्यों ना ऑपरेट कर रहा हो। बट अगर आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड हो रहा है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ऑलरेडी मैं अपने वीडियो में मैंने दिया हुआ है। अभी भी मैं लास्ट में जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो डाला था जिसका स्क्रीनशॉट आप ये देख रहे हैं, न्यू वीडियो कॉल स्कैम सुसाइड। तो जब मैंने ये वीडियो डाला तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 2022 में कितने लोगों को सुसाइड करने से बचाया। अभी मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों की हेल्प करता हूं जिनके साथ फ्रॉड हो चुका होता है और वो मेरे साथ चीज़ों को पर्सनल लेवल पे मेरे से डिस्कस करते हैं, फ़ोन पर मेल करते हैं मुझे, या मेरे चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे नीचे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं। ये काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता है और यही रीज़न है कि मैं आप लोगों से हमेशा टच में रहता हूं थ्रू अपने वीडियोस। मैं वीडियोस डालता हूं, आप लोग वीडियोस को देखते हैं, आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप उसी बेस पर मेरे को रिप्लाई देते हैं या मेरे से क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा आपका कम्युनिकेशन इस तरीके से चलता है। बट रिसेंटली मैंने अभी क्या देखा कि आई डोंट नो ही इज़ माई सब्सक्राइबर और नॉट, बट जब मैंने ये वाला वीडियो पोस्ट किया तो उन्होंने बहुत ही एक लाफिंग वाले स्टाइल में हंसते हुए एक मुझे कमेंट किया। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि शायद उनको ऐसा लगा कि जो मैंने ये बात कही कि मैंने 2022 में इतने सारे लोगों को सुसाइड करने से बचाया, क्योंकि जो लोग थे वो स्पेशली न्यू वीडियो कॉल के स्कैम में फंसे हुए थे। और जब न्यू वीडियो कॉल के स्कैम में जो फंस जाता है आदमी, वो दर्द वही जानता है जो उस वक्त झेल रहा होता है। आई डोंट नो कि जिन्होंने ये कमेंट किया वो कभी इस तरीके के न्यू वीडियो कॉल के स्कैम में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, या फंसने के बाद निकल गए हैं तो आज ये उस लेवल से परे निकल चुके हैं जहां पर ये डरे हुए थे, या आई डोंट नो, मुझे इनके बारे में कुछ खास पता नहीं है। बट जिस तरीके का हंसते हुए इन्होंने कमेंट डाला वो मुझे ये समझ में आया कि ये कहना चाहते हैं कि आप जो बता रहे हो कि आपने इतने सारे लोगों को सुसाइड करने से बचाया तो ये जस्ट एक मजाक है, ये हंसी है और खिलवाड़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आपके दिमाग के परे है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो दिमाग का लेवल है वो केवल इतना छोटा सा हो जितना मेरी दो उंगलियों के बीच का एक गैप है, इतना छोटा। तो हो सकता है आपका दिमाग का लेवल केवल इतना ही हो, आपके सोचने की और समझने की जो क्षमता है वो बहुत थोड़ी सी हो, इसलिए आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप उस एक व्यक्ति से कभी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे जो कभी न्यू वीडियो कॉल के स्कैम में फंस गया था, चाहे जाने और चाहे अनजाने, बट उस वक्त उसके साथ जो बीती थी, उसका सुबह शाम का खाना पीना बंद हो गया डर की वजह से, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, किसी भी वक्त उसको फ़ोन किया जा रहा है, उसको ये भी डर है कि मेरे बगल में मेरी बहन बैठी है, मेरे माँ बाप बैठे हैं, उस वक्त फ़ोन आ सकता है उस स्कैमर का, वो मुझसे पैसे फिर मांगेगा, मैं फिर डर जाऊँगा, मुझे पैसे अरेंजमेंट भी करना है, अपने घर में बताना भी नहीं है किसी को, साथ साथ मुझे ये भी चीज़ें देखनी है कि कहीं मेरी बहन को ना पता चल जाए कि इस तरीके के न्यू वीडियो कॉल के स्कैम में मैं फंस गया हूँ, मेरे पापा मम्मी को ना पता चल जाए। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि न्यू वीडियो कॉल का जो स्कैम होता है, ये बेसिकली व्हाट्सएप पर एक लड़की आपको कॉल करती है, जब आप वीडियो कॉल व्हाट्सएप पर उठाते हैं तो सामने जो लड़की होती है वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, और जैसा कि व्हाट्सएप का फीचर है कि दोनों जो लोग हैं, जो बात इधर से कर रहा होता है, जो बात उधर से कर रहा होता है, दोनों का वीडियो सामने लाइव चल रहा होता है, तो वो जो स्क्रीन होती है मोबाइल पर वीडियो की, वो रिकॉर्ड कर ली जाती है और फिर स्कैमर आपको वही वीडियो भेजता है, क्योंकि उसमें जो लड़की होती है वो न्यूड हो चुकी होती है जिसने आपको कॉल किया था, और फिर वो आपको वही वीडियो भेजकर आपसे ब्लैकमेल करती है, आपसे पैसे मांगती है कि मुझे 10,000-15,000 रुपए दो, अदरवाइज मैं ये जो वीडियो है आपका, ये मैं आपके सभी रिलेटिव्स को और आपके जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं उनको मैं भेज दूंगी। तो ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को वही बंदा समझ सकता है जो इससे निकला है, जो इस केस में कभी नहीं फंसा। मैं कह सकता हूं कि आप राजा बाबू,
बिल्कुल मैं कह सकता हूँ आप राजा बाबू, वो बहुत बहुत निडर हो आप जैसे निडर आदमी को तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा होना चाहिए, इतने साहसी आदमी को। मेरा चैनल देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसे सब्सक्राइबर्स को। ऐसे अगर कोई व्यूअर या ऐसा कोई सब्सक्राइबर मेरा है जो इस तरीके के लोगों पर कमेंट करता है हंसते हुए, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज और इसी वक्त मेरा चैनल छोड़ के आप चले जाइए, मुझे अपने चैनल पर आप जैसे सब्सक्राइबर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो ऐसे सीधे भोले भाले लोगों का मजाक उड़ाते हों, जो किसी वक्त फंस गए थे चाहे और अनचाहे रीजन से। क्योंकि मुझे पता है कि जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो लिटरली वो फ़ोन पर रो रहे होते हैं, उनका डर जो होता है वो उन्हें रुला रहा होता है, उनके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो आप जैसे लोग जो आप हंसते हुए कमेंट करते हैं, आप जैसे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप में उतना दिमाग ही नहीं है। आपके लिए जो चीज़ दिख रही है बस वो उतनी है, उसके पीछे आपका दिमाग नहीं चलता उसको समझने के लिए, आपकी समझ उतनी नहीं है, आपकी सोच इतनी नहीं है। तो ऐसे अगर लोग मेरे चैनल पर हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चले जाइए मेरे चैनल से, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए जो दूसरों की प्रॉब्लम को ना समझ सकें, जो दूसरों का मजाक उड़ाएं। एक आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए अगर आप इतना छोटा सा भी एफर्ट्स करते हैं और उससे उस सामने वाले की जिंदगी बच जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि आपसे अच्छा इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। और यही रीजन है कि मैं बहुत टाइम से अपने इस चैनल को रन कर रहा हूं। मुझे इस चैनल को रन करके, आप लोगों की मदद करके कोई खास बहुत बड़ा मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलता है गवर्नमेंट से, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की मदद करना, आप लोगों की क्वेरीज को सुनना, आप लोगों की क्वेरीज के आंसर देना, मेरे लिए यही एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही कि किसी का मजाक मत उड़ाइए। अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे फोन कर लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे चीज समझ में नहीं आ रही, बट किसी का इस तरह मजाक मत उड़ाइए। क्योंकि आप अगर प्रॉब्लम में फंसे हुए होंगे और आपका अगर कोई इस तरीके से मजाक उड़ाएगा तो आपको बेहद बहुत गंदा लगने वाला है। और अगर मैं सही बताऊं तो जितने लोग न्यू वीडियो कॉल के स्कैम में फंसे हैं, अगर मैं उन सब लोगों को इस बंदे के सामने खड़ा कर दूं जो इस तरीके का हंसता हुआ मुझे कमेंट कर रहा है, तो जिनके साथ न्यू वीडियो कॉल का स्कैम हुआ है वो जूता उतार के इस बंदे के सर पे मारेंगे। क्योंकि उनको पता है कि उनका दर्द क्या था उस वक्त जब वो न्यू वीडियो कॉल के स्कैम में फंस गए थे। तो गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे कमेंट्स कभी ना करें, क्योंकि जिसको दर्द होता है वही अपने दर्द को समझता है। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और वो हमेशा इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं मेरे वीडियोस पर, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। तो ओके गाइस मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार।